हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा शीलाज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मखाना नमकीन। इसके लिए हमें आवश्यक है एक प्लेट मखाना, एक नींबू, कटा हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना, दो हरी मिर्च कटी हुई, स्वादानुसार नमक, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच हल्दी, आधी कटोरी मूंगफली दाने, टमाटर का पाउडर, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, कड़ी पत्ता, अदरक और लहसुन का पाउडर, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में डाल रखा है लहसुन का पाउडर। उसी विधि से अदरक का पाउडर भी बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। आधी चम्मच पीसी हुई शक्कर और मखाने तलने के लिए तेल। सबसे पहले पैन में मखाने सूखे ही भून लेंगे। हमारे मखाने भून गए हैं, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में तेल डालकर मूंगफली भून लेंगे। मूंगफली भुन गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में राई डालेंगे। जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, हल्दी, मखाने डालेंगे जो कि हम पहले से भून चुके हैं। हल्दी की वजह से मखानों का कलर सुनहरा आएगा। इसमें टमाटर का पाउडर डालेंगे, अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह चलाते जाएंगे। नमक डालेंगे, तली हुई मूंगफली डालेंगे, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, पीसी हुई शक्कर और नींबू निचोड़ेंगे। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, गैस ऑफ कर देंगे। हमारे मसाले नमकीन तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये मखाने नमकीन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। टमाटर का पाउडर डालने से ये थोड़े से लाल कलर में आ गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।